अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। रिसेंटली एक मेरे स्टूडेंट जो कि फ्रीलांसिंग मेरे पास सीख रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट का लिंक भेजा और उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारी बहुत सारी यूथ इस वेबसाइट के ऊपर काम कर रही है और वो कहती है कि वो बहुत सारे डॉलर्स बना रही है या पैसे कमा रही है। तो उस वेबसाइट को विज़िट किया तो उसका नाम है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, मेलबेट। उस वेबसाइट का पर्पज़ ये है कि वो डिफरेंट किस्म की आपसे बेट्स लगवाती है। अगर आप वो बेट विन कर जाते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, जब आप बेट हार जाते हो तो डेफिनेटली जो आपने पैसे उसके ऊपर लगाए होते हैं वो आप लूज़ कर जाते हो। अभी रिसेंटली चूँकि पाकिस्तान के अंदर PSL शुरू हुआ है, तो PSL शुरू होने की वजह से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस वेबसाइट के ऊपर जा के ख़ुद को रजिस्टर करवा रहे हैं, और जिस तरह कराची किंग्स या क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मैच हो रहा है तो वो उसके ऊपर बेट लगा देंगे और बेट लगा के वहाँ से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचें। जो भी बेट वाला सिस्टम है, 50-50 है या पीछे से ये AI सपोर्टेड होता है, इसके ऊपर पीछे उन्होंने लगाए होते हैं, प्रोग्रामिंग की होती है, ना आपकी इसके ऊपर प्रोफाइल बिल्डअप हो रही है, ना आपका एसेट बन रहा है, ना आप पे कंट्रोल में कोई चीज़ है। मैच हो रहा है, मैच कहीं हो रहा है, कोई जीत रहा है, उससे आपको पैसे मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम के अंदर जुआ हराम है। हमेशा याद रखें, थोड़ा खा लें, कम खा लें, मंदा खा लें, बेशक पे ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता, जैसा भी मिलता है खा लें, लेकिन वो काम ना करें कि जो हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है, जो अनएथिकल है। आप ये देख लें कि बेटिंग जो बेट करना होता है, बेट हर रिलीजन के अंदर, हर क्रीड के अंदर, हर जगह सोसाइटी के अंदर बुरा समझा जाता है। आप किसी को कॉन्फिडेंटली ये नहीं बता सकते कि मैंने जुआ लगा के इतने पैसे बनाए। जब आप किसी को कॉन्फिडेंटली ये नहीं बता सकते, फॉर एग्ज़ाम्पल कल को आप वही जुआ लगा के 1 करोड़ भी कमा लेते हैं, आप किसी सोसाइटी के अंदर, किसी एक महफिल के अंदर, किसी लोगों के साथ, कंपनी के साथ बैठे होते हैं और वहाँ पे कोई आपसे सवाल कर लेता है कि सर आप बताएं आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो क्या आप उनको कॉन्फिडेंटली ये बता सकते हैं कि मैंने पेशावर जलमी और क्वेटा ग्लैडिएटर के मैच के ऊपर बैट लगाई थी तभी मैं जीता हूँ? क्या आप उनको ये बता सकते हैं कि मैं जुआ खेल के ये पैसे जीता हूँ तभी आज मेरे पास ये पर्टिकुलर चीज़ है या जो भी चीज़ आपने वेल्थ बनाई है, जो भी आपके पास है? कहीं कभी भी नहीं बताएंगे आप। आप कोई झूठ बोल दें, क्योंकि रीज़न ये है कि हर एक सोसाइटी के अंदर इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है। हमेशा पैसे उस चीज़ से कमाएं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिसकी आपको आपका रिलीजन इजाज़त देता है, हलाल हो। ठीक है, हलाल कमाओगे तो आपके रिस्क के अंदर भी बरकत आएगी, आपका रिस्क भी ग्रो करेगा और आपके घर का माहौल, आपकी मेंटल हेल्थ ये हमेशा ठीक रहेगी। लेकिन जैसे ही आप हराम की तरफ जाओगे, हराम काम वो होता है कि हराम काम से पैसे कमाने का वो तरीका होता है कि जो आप कॉन्फिडेंटली 4 लोगों में बैठ के बता नहीं सकते कि यार मेरी अर्निंग का ये सोर्स है। ठीक है, तो प्लीज़ ये मेलबेट और इस टाइप की जितनी भी बेट वाली भी वेबसाइट्स हैं इनसे बचें। जो आपने 4-5 घंटे मैच देख के उसके ऊपर बैट लगा के जुए के अंदर पैसे लगाने हैं, उससे बेहतर ये है कि आप वही 5 घंटे ना लगाएं, सिर्फ 1 घंटा फाइवर की प्रोफाइल के ऊपर लगा लें, अपर के 4-5 प्रपोजल भेज लें, तो 110% मैं श्योर हूँ कि PSL ख़त्म होने से पहले पहले आपको ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। लेकिन ये है कि हमें गलत जो आदत पड़ी हुई है वो इजी मनी मेकिंग की पड़ी हुई है, तो हमेशा याद रखें, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि इजी मनी मेकिंग वाले हमेशा खसारे में जाते हैं, तो ख़ुद को खसारे से बचाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। होपफुली जो साहिब इल्म लोग हैं या जो समझ रखने वाले हैं, जिनको अपने दीन से भी मोहब्बत है, उनको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।